जो हाल में बुलंदशहर में जो घटना घटित हुई है, जिस तरह हाथरस में एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के बजाय जिस तरह सरकारी तंत्र उनकी न्याय की गुहार की आवाज को दबाने में जुटा था, एक हृदय विदारक घटना यहां बीती है। मैं उस पीड़ित परिवार, हम सबकी ओर से उस पीड़ित परिवार की तरफ के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आएगी जनता के आशीर्वाद से, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए ऐसे जघन्य अपराधों के लिए, और ऐसे जघन्य अपराध रचने वालों को सख्त से सख्त कानूनी सजा मिलनी चाहिए। तो ये विश्वास दिलाता हूं कि जब सरकार आएगी और हम जिस तरह का परिवर्तन लाना चाहते हैं, जिस तरह की व्यवस्था, जिस तरह की गवर्नेंस, सुशासन जनता को देना चाहते हैं, कि महिला सुरक्षा पर बड़ी पहल कर उत्तर प्रदेश में व्यावहारिक परिवर्तन हम लाएंगे। उस परिवार की न्याय की लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। आज इस बैठक में मैं एक बड़ा संकेत आपके माध्यम से देना चाहता हूं। लोग जो सत्ताधारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो एकता हमारे बीच की बनी है, जिस तरह से किसान कौम, कमेरा वर्ग, सभी जाति और धर्म के लोग और खास तौर से नौजवान बड़ी उम्मीद के साथ गठबंधन के प्रति हमारे इस कारवां में साथ चल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी वालों की बौखलाहट सामने आ रही है। योगी जी के बयानबाजी को आप देखें, और बुलंदशहर भी कई बार वो आ चुके हैं, बड़े बड़े नेता कैंप कर रहे हैं और ऐसी भाषा वो प्रयोग कर रहे हैं जो कभी हमने मुख्यमंत्री के इस पद पे विराजमान कभी किसी नेता के माध्यम से ऐसी बातें सुनी नहीं। तो पद की अपनी गरिमा होती है, पद का अपना एक विश्वास होता है। ऐसा लगता है कि हार की बौखलाहट उन्हें सता रही है, और आज तो कुछ मौसम भी बदला लग रहा है, लगता है कि गोरखपुर से उन्होंने कुछ कोशिश की है कि फिर दोबारा ठंड लौटे, लेकिन ये क्षेत्र किसानों की धरती रही है, किसान आंदोलन में इस क्षेत्र ने बड़ी भूमिका अदा की, यहाँ के घर घर में जवान देश की सीमा पर तैनात हैं, देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं, तो हमारा तो खून भी गर्म है और देश के लिए सब कुछ नौछावर करने के लिए हम लोग राजी रहते हैं। तो हमें धमकी देना इस क्षेत्र के मिजाज को मुझे लगता है योगी जी समझ नहीं पाए। वो जितना हमें धमकाएंगे और भड़काएंगे, हम उतने ही एक होंगे, संगठित होंगे और ताकतवर होंगे। इस चुनाव का मुद्दा साफ है, नौजवानों को नौकरी दिलानी है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जमीनी मुद्दे हैं, उनको लेकर हम लोग चल रहे हैं साथ, और बहुत अच्छी व्यवहारिक घोषणाएं जो अखिलेश जी लगातार कर रहे हैं हमने अपने घोषणा पत्र में शामिल किए हैं, उस पर भी अखिलेश जी बताएंगे। लेकिन सीधी सीधी बात है, किसानों को फैसला करना है और नौजवानों को फैसला करना है। ये वो सरकार है जिसने कीले बिछाई, अवरोधक बनकर काम किया, ये वो सरकार है जो चुनाव के इतने बिल्कुल पूर्व संध्या पे भी जब बजट लाती है किसानों के लिए कुछ नहीं। केंद्रीय बजट में आपने देखा होगा, अवलोकन किया होगा, मध्यम वर्ग गरीब किसान के लिए इस पूरे बजट में कुछ नहीं। 34% तो नरेगा का बजट काट दिया। नरेगा वो योजना है जिसमें कम से कम कोविड के महामारी के दौरान जब लोग पलायन करके घर जा रहे थे, गांव जा रहे थे, कुछ ना कुछ आर्थिक सुरक्षा उनको दी गई, सहायता उनको दी गई, और 34% उस योजना का बजट काट दिया। एक भी बार वित्त मंत्री ने उस योजना का जिक्र अपने भाषण में नहीं किया, और शायद जब से निर्मला सीतारमन जी वित्त मंत्री बनी है, हालांकि उनका बजट भाषण जो है वो मुझे लगता है पीएमओ ज्यादा लिखता है, वो खुद तय नहीं करते,
शायद जितने बजट भाषण दिए उन्होंने एक ही बार नरेगा योजना का जिक्र किया। तो उस गरीब वर्ग को उसके उत्थान के लिए हम संकल्पित हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े फैसले लेगी और किसान को सम्मान मिले, सही समय पर भुगतान गन्ने की खेती कर रहे किसानों को मिले और कानून की व्यवस्था सख्त हो। इस ओर हमने बड़ा संकल्प लिया है। मैं फिर दोबारा स्वागत करता हूं अखिलेश जी का और उनको आमंत्रित करता हूं कि आगे की जो है व्यवस्था वो देखें।